हेलो एवरीवन, दिस आई डी हाँ, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट विद देवा। आज के सारे वीडियोस में इसे बनाई हूँ, इतना सिंपल और इतना शॉर्ट कट बनाई हूँ, 2-3 मिनट्स के अंदर ही इस वीडियो खत्म होने वाला है। ये वीडियो मैं अपकमिंग वैलेंटाइंस डे को सामने रखते हुए तैयार करी हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर वैलेंटाइंस डे नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे। आप साल में कभी भी इसे गिफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो रेड वाला बटन है ना, इसको ग्रे बना दीजिएगा। तो अभी चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं आज के DIY। पता है आपको, हम दोनों ना गूगल पे आए थे। अगर आप हमें गूगल पे सर्च करोगे अभी तो हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम आए ही नहीं। मैं तो अपनी इमेजिनेशन को यहाँ पेपर पे डाल रही हूँ एंड इस गूगल इमेज को मैं गिफ्ट करने वाली हूँ। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम से हुए उनको तो पता होगा, 4 तारीख को मेरी एनिवर्सरी था एंड वहां पर मैं स्टेटस पे डाल चुकी थी, तो उसके लिए ही मैं ये वाला DIY बनाई थी। क्योंकि चाहे जो भी मैं देवासिस को गिफ्ट कर लूँ, उसके साथ में हैंडमेड कुछ ना कुछ आर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है देवासिस को हैंडमेड चीज बहुत पसंद है। अगर उनके लिए मैं कुछ बनाती हूँ तो बहुत खुश हो जाते हैं। पहले तो ये सारे DIYs को मुझे बहुत ही क्विकली खत्म करना था, बहुत ही इजी भी रखना था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं ये DIYs की वीडियो डालने वाली हूँ तो आप सबके लिए इजी हो। आगे अभी तो यहाँ मैं हैप्पी एनिवर्सरी लिख रही हूँ, आप चाहो तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी लिख सकते हो। अगर आप हैप्पी बर्थडे लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं बताई, आप साल के किसी भी दिन इस तरह के DIYs तैयार कर सकते हो। जितने सारे फोटोज आप इस वीडियो में देख रहे हो सबको मैं एक पेपर के ऊपर बस 5 रुपए खर्चा करके प्रिंट करके ले आई थी। स्टिक करने के लिए आप यहाँ ग्लू स्टिक यूज कर सकते हो एंड आपके DIY बिल्कुल रेडी है। चलो इसको फ्रेम करके मैं आपको दिखाती हूँ। आपको कैसा लगा ये वाला DIY, थोड़ा सा इनोवेटिव लगा या नहीं एंड इजी लगा या नहीं, मुझे जरूर बताइएगा। जब हम लॉगिस कैरी करते हैं, लड़कियों के तो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें हेयर ड्रायर से लेके हेयर स्ट्रेटनर तक, हेयर कर्लर तक सब चाहिए। तो इसीलिए आज एक प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा आगरो के वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर। सिर्फ ड्रायर की तरह नहीं, आप इसे ड्रायर के साथ साथ स्ट्रेटनर एंड कर्लर के हिसाब से यूज कर सकते हो। कर्ल के मामले में ये बोलूंगी, ये सिलिंड्रिकल शेप में है तो नीचे वाले जो हेयर है उसको सुंदर सा बाउंसी लुक देने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर बस ये सिंगल नॉब ही है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 स्पीड सेटिंग एंड 3 डिफरेंट हीट सेटिंग मिल जाएगा। इसके 360 डिग्री एयर फ्लो वेंट की वजह से आपको चारों तरफ अपने हेयर में यूनिफॉर्मली हीट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ड्राइंग एंड स्ट्रेटनिंग के मामले में मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ एंड आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है कितने अच्छे से 1 स्ट्रोक में आप रेडी हो सकते हो। एंड उससे भी अच्छा मुझे इसके वॉल्यूमाइजर फीचर लगा। सच में आप इसे यूज करके अपने हेयर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। इट कम्स विद लॉन्ग नायलन ब्रिसल एंड कोटेड विद सेरामिक टॉर्मेलिन। प्रोडक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ मैं एक पुराने कार्ड ले रही हूँ, आपके घरों में बहुत सारे ऐसे कार्ड आपको मिल जाएगा। आजकल तो शॉपिंग करने भी जाओ ना, इस तरह एक कार्ड पकड़ा देते हैं, तो उस कार्ड को आप क्रिएटिव वे में रियूज कर सकते हो। मैं कार्ड के ऊपर जेसो डाल के उसके ऊपर कलर भी आर्ट कर चुकी हूँ। अभी आपको चाहिए आपके एक फोटो के प्रिंट आउट, अब अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा एंड ये बस कलर प्रिंट आउट है। आप 5 रुपीज दे के एक पेपर के ऊपर बहुत सारे ऐसे इमेजेस को प्रिंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ डेकोपस ग्लू, चाहो तो डायरेक्टली जो ग्लू स्टिक है उसके हेल्प से भी स्टिक कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ ये मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में अगर क्लियर रहेगा ना, आपको देखने और समझने में इजी होगा। तो ये मैं बना रही हूँ स्पॉटिफाई म्यूजिक प्लेयर की जो विंडो है उसका इमेज, मतलब हम दोनों को बहुत पसंद है और हम दोनों खास करके जब भी ट्रैवल करते हैं तो बहुत सुनते हैं। तो ये मैं अपने कार के लिए बनाई हूँ ताकि मैं सामने अगर हैंग करूँ दोनों को दिखाई भी देगा एंड ये गाना हम दोनों के बहुत फेवरेट है। बस आपको जो भी गाना पसंद है, अगर आप सिंगर का नाम भूल गए हो तो बस गूगल कर लीजिए मेरे तरह। आज मैं अभी बाहर हूँ तो मेरे पास अपनी गाड़ी तो नहीं है कि मैं दिखा सकूं। बस ये रहा इसका फाइनल लुक। आप चाहो तो इसे फ्रिज मैग्नेट की तरह भी यूज कर सकते हो। मेरे होटल के रूम में ये छोटा सा फ्रिज था तो मैं यहाँ लगा के आपको दिखा रही हूँ। आपको कैसा लगा ये वाला DIY प्लीज बताइएगा।
ये जो DIY हम अभी बनाने जा रहे हैं ना, इसे आप गिफ्टिंग के लिए तो यूज कर सकते हो, अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हो। बच्चों का तो ये काफी फेवरेट चीज होने वाला है। ये जो बॉटल मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, ये एक मिनरल वाटर बॉटल है जो आपको किसी भी दुकान पर इजिली मिल जाएगा। तो मैं यहाँ इसे रियूज करूंगी। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं एक सिंगल चीज यूज करूंगी, वो है डेको ट्रांसफर सीट, जिसको मैंने लिया था इट्सी बिट्सी से। ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है, बस आपको सारे इमेजेस को प्रिसाइसली कट करके यहाँ पुट करना है। एंड मार्केट में इस टाइप के बॉटल्स आजकल काफी ट्रेंड में है। शायद उस चीज मेरे दिमाग में था, तो बॉटल देखते ही मुझे तुरंत ही आइडिया आ गया कि मुझे क्या बनाना है इसके ऊपर। ओके, अभी सारे इमेजेस को और थोड़ा प्रोमिनेंट बनाने के लिए मैं इसके बैकग्राउंड पे व्हाइट एक्रीली कलर डाल रही हूँ, बट ये ऑप्शनल है। एंड इसे पुट करने के बाद आप इसे प्रॉपरली ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए कुछ देर। एंड उसके बाद सारे इमेजेस को प्रॉपरली प्रिजर्व करने के लिए हम डालेंगे इसके ऊपर वर्निश। रेकमेंड करूंगी आप वर्निश जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डे टू डे लाइफ में इसे यूज करते हो तो वर्निश डालना जरूरी है। पूरे सरफेस पे तो नहीं, जहाँ पर आप इमेजेस कट करके लगाए हो उस जगह पे ही वर्निश आर्ट कीजिए। तो ये रहा आपके सामने आपके बॉटल आर्ट, वो भी ट्रेंडिंग स्टाइल में। तो ये था आज का बहुत ही छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा। तीनों DIYs में से आपका फेवरेट कौन सा है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।